शहरे लखनऊ तुझे मेरा सलाम है, ऐ शहरे लखनऊ तुझे मेरा सलाम है। तेरा ही नाम दूसरा जन्नत का नाम है, ऐ शहरे लखनऊ। बहार भी तू गुल बदन भी तू, परवाना और शम भी तू अंजुमन भी तू। दुल्फों की तरह महकी हुई तेरी शाम है, ऐ शहरे लखनऊ। कैसा निखार तुझ में है, क्या क्या है बाकपन। गजलें गली गली है तो नगमे चमन चमन। शायर के दिल से पूछ तेरा क्या मकाम है, ऐ शहरे लखनऊ तुझे मेरा सलाम है। तेरा ही नाम दूसरा जन्नत का नाम है, ऐ शहरे लखनऊ। तू वो है लोग शहरे निकारा कहे जिसे, फिर तो से हुस्न रश के बहारा कहे जिसे। तेरी हरे कदम वफा का प्याम है, ऐ शहरे लखनऊ तुझे मेरा सलाम है। तेरा ही नाम दूसरा जन्नत का नाम है, ऐ शहरे लखनऊ। अरे वाह क्या खूब ककड़ियां हैं। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ मेहरो बेगम, दो दिन में सी के देने हैं सारे कपड़े। भाभी मेहरो की उंगलियों में कोई मशीन थोड़ी लगी है। मशीन नहीं लगी तो चूल्हा भी नहीं जलेगा, तुम्हारे भैया की कमाई तो पूरी नहीं पड़ती। भाईजान बेचारे भी क्या करें, दिन भर तो कड़कती धूप में अखबार बेचते हैं। हाय हाय बड़ी आई भाईजान की हिमायत पर, भैया की सही थी। हाय आप चले कहाँ? ए तुम तो कमाल करती हो भाभी, अब हजन खाला का काम करने भी न जाऊं? ऐ जरूर जाओ, खाला भी है, तुम्हारे मंगेतर की अम्मा जान भी है, तुम्हारी होने वाली सास। बस तुम तो चुटकियां ले जाओ भाभी, आज को पहली बार जा रही। अच्छा अच्छा पुकार के जाना, नसीम के आने का वक्त हो गया है। खाला घर में कोई है तो नहीं? है क्यों नहीं बेटा, मैं हूँ। दीवारें हैं, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं और पड़ोसियों के तेज तेज आवाजें हैं। आदाब खाला जान। जीती रहे बेटा जीती रहे। मेहरा तू तो मेरी आंखें हैं। अरे बेटा तू न होती तो मुझे अंधे का काम कौन करता है। लेकिन बेटा आज पकाएगी क्या? मैं तो बाजार से सब्जी मंगाना ही भूल गई। मेरो आप फिक्र न कीजिए खाला, घर में आलू रखे थे वो सुबह ही पका गई है, रोटी भी तैयार कर दी है। सलामत रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे।
खुदा मासूमों की जल्दी सुनता है। अरे तू भी दुआ मांगा कर कि मेरे नसीम का कहीं काम लग जाए। कौन है बेटा नसीम? अम्मा ये पड़ोसी इस तरह हमसे मुंह क्यों छुपाते हैं? सुना है एक आंख में कुछ ऐब हो गया है। अरे चुप चुप, खुदा ना करे। तो फिर इसमें छुपने की क्या बात है? अरे क्यों ना छुपे, आखिर मंगनी हो चुकी है ना। दुआ मांगो बेटा, अल्लाह वो दिन लाए असल खैर से तेरी शादी हो। शहनाइयां बजे, दुल्हन घर में आए, मेरी गोद में पोता खेले। लेकिन बेटा तू कोई काम काज तो करता ही नहीं। ओफो अम्मा, काम काम काम, तुम्हारे इस शायर बेटे की सारे लखनऊ में धूम मची है। आज भी मुशायरे में वो मार्के की गजल कही है कि सुभान अल्लाह। मतलब सुन लो। नजर से दूर है दिल के करीब रहते हैं, अजी बिगड़ते बनते हमारे नसीब रहते हैं। अल्लाह खैर भंजन, अल्लाह खैर। बस शायरी की जाओ शायरी, शेर कह कह के पेट भरना तुम। सुभान अल्लाह भाभी जान, क्या मिसरा निकाला है आपने। शेर कह कह के पेट भरना तुम, सारे आंगन की घास चरना तुम। आदाबर है। नवाब मिर्जा ने 5,000 रुपए के इनामी मशायरे का ऐलान कर दिया। ना सुन लो, खुशी के मारे यूं फटे जा रहे हैं जैसे इनाम इन्हीं को मिलेगा। ना दिन दिन्ना, इनाम मिलेगा अपने नसीब को। कहो आमीन। आमीन। और इनाम मिलेगा तो क्या होगा, अपनी मेरु की शादी। कहो आमीन। आमीन। ना दिन दिन ना। खाना जान, पूरे 5,000 रुपए की लपेट से नसीब से कहिए फौरन एक लहराती गजल के डाले। गजल तो अब भी कह रहा हूँ भाईजान, लहराती हुई क्या बल खाती हुई, मगर बेचने का इरादा नहीं। कहो आमीन। नसीम मियां, तुम्हारे 5 शेर की गजल पर 5,000 रुपए का इनाम रखा है। भाईजान जिसे आप इनाम कहते हैं बंदा उसे खैरात समझता है। नसीम मियां हाजिर हुआ हकीम साहब। सलामत रहो, खुदा भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे। वाह साहब, भाई यही हो गए तो अपने घर रहे। सुन रही हो अम्मा, मैं किसी के कहने से हरगिज जाने वाला नहीं। कहने से नहीं जाओगे, किसी के समझाने से नहीं जाओगे, तो फिर कैसे जाओगे? कोई तरीका तो बता। तरीका तो मेरे पास है भाईजान। आज रात को 12 बजे मैं छत पर एक मंत्र पढ़ूंगा। मंत्र? जी हाँ, मंत्र लाजवंती देवी का। अगर वो छत पर आ जाएंगी तो मैं इशारे में जाऊंगा, वरना कयामत तक नहीं जाऊंगा। मुशायरे में नहीं जाएंगे? तो आप छत पर हैं। हाय अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? हाय अल्लाह, तुम्हारी हाय अल्लाह नहीं तो मार डाला है। जिस दिन से मंगनी हुई तुम पर्दे बैठ गए। 5 बरस हो गए सूरत देखने की तरस गया हूं। देखो से क्या करो, तुम्हारी जान की कसम शर्म के मारे पानी पानी हो जाऊंगी मैं तो। आज यही तो देखना है। नजरें झुकी झुकी, पलकें भारी भारी, मुस्कुराहट रुकी रुकी, अरमान मजबूर, प्यार कायद। देखो तुम छत पर नहीं आओगी तो बंदा मुशायरे में नहीं जाएगा, बंदा मुशायरे में नहीं जाएगा तो इनाम नहीं मिलेगा।
Mm-hmm.
छेड़ गया मेरे घर से प्यार। मुश्ताक मजनू का किस्सा जानती हो ना? उसकी बीवी ने जमाना खेलने की कसम दी थी, उसने कसम तोड़ दी, वो बेचारी मर गई। तो बस आंखें खोल दो मेहरू, वरना मैं भी कसम लेता। नहीं, खुदा के लिए कसम न देना। जान, शेरवानी तो सिलवा दीजिए। अरे नहीं मियाँ, यहाँ अपने जख्म सीने का हौसला नहीं रहा, महल्ले के फटे कौन सीना फिरेगा जी? आप, मैं तो नवाब साहब के मुशायरे में जा रहा था। अरे कहीं जाओ, मुझे क्या, झूठ, बिल्कुल झूठ, इत्तला है मुझे बनाने। आपके सर की कसम भाभी जान, मैं जरूर जाऊँगा। मुँह क्या देखती हो, जब मुझे दो टाके मार दो ना। क्यों मियाँ, ये रात ही भर में किसने तुम्हारे कलेजे में नहीं की भर दी? अब क्या अर्ज करूं भाभी जान, कल रात छत पे लाजवंती देवी से मुलाकात हो गई। बहुत खूब। हाँ तो मियां, फिर क्या हुआ? बस आंखों ही आंखों में उन्होंने हुक्म दिया कि तुम्हें मुशायरे पे जाना होगा, और बंदा तो उनके हुक्म को टाल नहीं सकता। आइए आइए, तशरीफ लाइए। सुभान अल्लाह, नसीम मियां, रहे नसीम, सितारों के अंजुमन में चौधरी का चयन आ गया। तशरीफ लाइए। खुदावंद मुलाहिजा हो, बारात मुकम्मल हो गई, दूल्हा मियां तशरीफ ले आए। वल्लाह हतई उम्मीद नहीं थी नसीम मियां, अच्छा हुआ जो तुम आ गए। अक्सर हाजम। अब्बा हजूर, क्या ये वही है जिनका शेर आप पढ़ा करते हैं? कौन सा बेटा? वो मजनू ने छींक मारी, लैला का ऊंट भागा। नहीं मियां, ये इनका नहीं। हाँ साहब, ये शेर मेरा ही है, लीजिए मैं आपको पूरा सुनाई देता हूँ। मजनू ने छींक मारी, लैला का ऊंट भागा, मजनू ने बांधा फौरन फिर तुम में उसकी धागा। आदा आदा, जीते रहिए जीते रहिए। आइए साहब, आइए। आप बहुत प्यारे हैं। हजरात, आज के मुशायरे में सबसे अच्छी गजल पर 5,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। जब तुम ही हमारे साथ नहीं, फिर तेरे गुलिस्तां कौन करे, हाथों के इशारे कौन सहे, फूलों को पशमा कौन करे। अजी सुनते हो, अपने नसीम का नंबर आते आते सुबह हो जाएगी क्या? ये इनामी मुशायरा ऐसा ही होता है? और क्या समझती हो, अपने नसीम का शुमार उस्तादों में है, आखिर में पड़ेगा। राहत की दुआएं क्यों मांगे, तस्कीन के सामा कौन करे, ये दर्द किसी का तोहफा है, इस दर्द का दरमा कौन करे, इस दिल में किसी की यादें हैं, जन्नत से हंसी है दिल मेरा, इस ताज महल के दामन में, इस ताज महल के दामन में, अब गैर को मेहमान करे। अब हमारे शहर के मशहूर नौजवान शायर जनाब नसीम बे साहब नसीम अपना कलाम सुनाएंगे। वजीफा पढ़ो सब लोग। इजाजत है हुजूर। बिस्मिल्लाह। पेड़ों की घनी छाओं में कहीं ये धूप गुजर ही जाएगी, अब उनकी मुलायम रेशम थी, जुल्फों को परेशान कौन करे।
चुप चुप के वो खुद सुन लेते हैं आवाज मेरी अशआर मेरे अफसाना सुना कर अब उनका रुसवाई का सामान करे। फिर मुलाजा होगी उस शोख के दस्ते नाजुक से हर तीर खता हो जाता है उस शोख के दस्ते नाजुक से हर तीर खता हो जाता है हम आप निशाना बन जाएं قاتل کو پیسے ماں کون کرے واہ 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 سبحان اللہ دن رات انہیں خط لکھتے ہیں دن رات دعائیں کرتے ہیں फुर्सत ही नहीं है हाथों को अब चाक गरेबा गरीबी दिखाकर इनाम मांगने का खूब निकाला वाह क्या सुबाना वाह क्या बोलता है शेरे सोबा नौजिला ये तो वही नाजिल हुई है आज करना ये हजूर रवे का दामन सलामत है हालत खराब कर दीजिए خاموش ہو جائیے ذرا اخلاق سے کام لیجیے کسی کی مجبوری کا مذاق اڑانا انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے ہاں نسیم میاں فرمائیے نسیم میاں ہماری محفل کو ٹھکرا کر جانا مناسب نہیں میں اپنی عزت کو آپ کی محفل سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہوں نواب صاحب نسیم میاں یہ انعام یہ روپے مجھے نہیں چاہیے نسیم میاں مانا کہ شاعر کے مزاج کافی نازک ہوتا ہے مگر یہ نہ بھولیے فن ہمیشہ دولت کا احسان مند رہا ہے ہو سکتا ہے مگر میں فن نہیں بیچتا حضور میری خودداری سرمایہ داری کی غلام میں آ جا بھائی اللہ آپ کو دنیا داروں کے قریب سے محفوظ رکھے پہن لیجیے نا بس اب جانے دیجیے پھر آئیے گا ضرور اچھا بیٹے ضرور آؤں گا اور آپ کے لیے بھی نئی شیروانی لاؤں گا خدا خدا نواب صاحب میں نسیم کی طرف سے معذرت پیش کرتا ہوں امید ہے آپ اس کی غلطی کو درگزر فرمائیں گے غلطی کیسی حکیم صاحب ہم تو اس کی جسارت کی قدر کرتے ہیں اچھا شاعر ہمیشہ خود ساتھ ہوتا ہے بجائے شاعر اس کے شاعر ہونے میں تو کوئی کلام ہی نہیں لیکن حکیم صاحب یہ انعام کا مسئلہ کیسے طے ہوگا انعام اسی کو ملنا چاہیے میں تو ہار گیا خالا اب تم ہی کسی طرح اسے سمجھاؤ وہ کیوں سمجھائیں گی بھائی جان وہ خود سمجھتی بیٹا میں تو بس اتنا سمجھتی ہوں کہ سارے ارمان میرے ساتھ ہی قبر میں جائیں گے یہ کیا ماں آپ بھی ایسا کہہ رہی ہیں ہاں بیٹا سوچا تھا روپیہ مل جائے گا تو تیری شادی کا ارمان بھی پورا ہو جائے گا مگر اماں جہاں میری اس قدر ذلت ہوئی ہے میں پھر وہیں بے غیرت بن کر روپیہ لینے جاؤں دو مرنے کی بات ہے اماں بڑے شرم کی بات ہے
हाँ बेटा, मगर जब अम्मा के कफन के लिए मोहल्ले वालों से भीख मांगनी पड़ेगी तो शर्म नहीं आएगी। खुदा ना करे अम्मा। अम्मा रोइए मत, मैं चुप हो जाइए, खुदा के लिए चुप हो जाइए। मैं जाऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं जरूर जाऊंगा। शाबाश, मुझे मालूम था अकलमंद आदमी जरूर जाएगा। रहे नसीब, आज आपने याद फरमाया, तुम इनाम लेने जा रहे हैं? हाँ मेहरू, अल्लाह ने सुन ली, वरना देवे शरीफ में छुपा के चोरों की तरह शादी करना पड़ता। अब तो बस रुपया लेके आया और शादी की। अगर तुमने नवाब का कोई एहसान लिया एक पैसे का भी, तो मेरा मुर्दा देखो, मुझे अपने हाथों दफन कर। ये तुमने क्या कसम कर दिया मेहरू, मुझे कसम दे दी। हाँ तुम तोड़ देना, मैं मर जाऊंगी। हकीम साहब खत्म हो गया। क्या हुआ, खैरियत तो है? आपके खुददार गैरतदार नसीम मियां ने नवाब साहब के जाने से साफ इनकार कर दिया। आपकी भावज मेरी छाती पर पलंग बिछा कर बैठ गई, कहती है दूसरा लड़का ढूंढ ला। सुल्तान मियां, लड़का तो यही रहेगा, कहो तो दूसरी लड़की ढूंढ ले। जी जी हाँ, ये मैं कल नवाब साहब के हाथ से ले आया। अच्छा, चलिए नसीम मियां को दे। वो नवाब साहब को रुपया इस तरह नहीं लेगा, कोई तरकीब सोचना पड़ेगी। तरकीब इस्तेमाल में अगर ये पतीली आ जाए तो आपको कोई एतराज तो नहीं? इतराज तो नहीं, मगर अच्छा, खुदा हाफिज। जीते रहो जीते रहो। हमारा भाईजान ये सुबह सुबह फोड़ा लिए किसका घर खोदने जा रहे हैं? घर खोदूंगा तुम्हारा और निकलेगा खजाना। खजाना? हाँ खाला जान, नसीम के अब्बा मरहूम टावर तो 3 रोज से बराबर ख्वाब में आकर कह रहे हैं, अमा सुल्तान तुम्हारी खाला जान नसीम खान की शादी क्यों नहीं करती, जबकि रुपया घर में मौजूद है। अजी आप भी ख्वाबो ख्याल का यकीन कर रहे हैं भाईजान? ए नसीम मियां, खुद तो ये बस सच्चे के छूटे हैं, मगर ख्वाब इनका हमेशा सच्चा होता है, ये तो मैं भी कहूंगी। ए सुन लिया तुमने, और मरहूम ने तो मुझे जगह भी बता दी है। खाला जान मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ। और भाईजान घर में कुछ ना मिले तो पूरा मोहल्ला हाजिर है, खोद डालिएगा। ₹40 सिक्के रायजुल वक्त जर महर मुकर्रर किया जाता है, आपको कबूल है? कबूल है, कबूल है। सुल्तान मियां मुबारक मुबारक। हाय हाय, तुम्हारा पेट तो अल्लाह ही भरे, ये तो दिया जो देना था। अच्छा लो, अब 2 रुपए और ले लो। अब जाओ यहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं, ये तो मेरी बहू का हिस्सा है। क्यों भाईजान, वो दिखाई ले जा रहे हैं या खाली हाथ ही चले जा रहे हैं? हाय हाय, ये सब कुछ तो मेरी बहू का है। आए लो बेटा, ये सब ले जाओ। Oh,
मेरे। अब ये पर्दे उठाओ और चांद निकलने लगे। देखो सब कह रहे हैं मेरी दुल्हन बनकर चांद का टुकड़ा लग रही है। अल्लाह बुरी नजर से बचाए। और फिर आपकी नजर? अपनी नजर का खौफ तो मुझको भी है मगर सजता उतारिए के लगे ना कहीं नजर चेहरे में आज भूल सा मुखड़ा है जलवा गल चेहरे से अपने आज तो पर्दा उठाइए चेहरे से अपने आज तो पर्दा उठाइए लिल्लाह मुझको चांद से सूरत दिखाए चांद में अपनी सूरत दिखाओ क्यों मुंह दिखाई मैं तो भूल ही गया था अम्मा सच सच बताइए ये किसके रुपए से मेरी शादी हुई है तुम्हारे सामने तो खोद कर निकाला था धनिये की क्यारी से अब इससे पूछने की क्या बात है तो फिर ये थैली कहाँ जाएगी थैली अम्मा तो इसमें कौन सी आमद हो गई तुम्हारा ये रुपये तो था इनाम का थैली में अगर नवाब का एक पैसे का भी मैंने एहसान लिया तो समझ लीजिए अपने हाथों से मेरे का कफन खरीदा हाय बेटा ये क्या बस सुनने की बातें कर रहे हो आप नहीं जानती अम्मा मेहरू ने मुझे कसम दी थी अगर मैं नवाब का एक पैसा भी लूं तो उसका मुर्दा देखूं उसे अपने हाथों से दफन करूं हाय अल्लाह अभी हमारी शादी नहीं हुई मैं रुपया कमाकर पहले तुम्हारी कसम का सदका उतारूंगा आपका एक एक पैसा अदा करूंगा उसके बाद हमारा ब्याह होगा मेहरू मैं नवाब के पैसे से खरीदी हुई एक एक चीज मिटा दूंगा जला दूंगा मैं बंबई जाऊंगा और इंशाल्लाह अपने कलम से रुपया कमा कर वापस आऊंगा ओफो तुम हमारा ख्याल नहीं करते तो ना सही लेकिन अपनी बूढ़ी माँ का तो ख्याल करो अब आप इस मामले में कुछ मत लीजिए नहीं बोलते और हम होते भी कौन है बोलने वाले जाइए जो आपकी समझ में आए कीजिए अम्मा अम्मा मुझे हंसते हंसते रुखसत करो बेटा ऐसा कलेजा कहां से लाऊं मगर तेरी खुशी
और अल्लाह की मर्जी। बस अम्मा, अल्लाह सब अच्छा करेगा इंशाल्लाह। अरे दुल्हन, इमाम जामिन तो ले आ। जाओ सिधारो बेटा, इमाम जामिन की जमानत अल्लाह की अमान में दी है। अल्लाह असल खैर से जल्दी तुम्हारी सूरत दिखाए। आमीन। तेरी एक बात खुद जान, अभी तक इन हाथों की मेहंदी की हल्की नहीं गई। अपनी मेहंदी में रंगे इन दुल्हन में रंग, अल्लाह तो भी कामयाब करके वापस लाएगा। फिर मैं मेहंदी भी लगाऊंगी और दुल्हन भी बनूंगी और तब हमारी शादी भी होगी। तुम्हें ताज्जुब नहीं होता? तुम्हें रुख्सत कर रही हूं और जिंदा हूं। पाक राहों की कड़ी धूप जमाने के सितम, पूरी करनी है बहरहाल हमें तेरी कसम। यूं तो होता है वही जो है खुदा को मंजूर, जिंदगी है तो वफा होगा तेरा वादा जरूर। ये तो आपकी किस्मत पे हंसता है बाबू, इसके 2 रुपए होंगे। 2 रुपए? आइयो बराबर पेट भर के खाओ। अल्लाह की मेहरबानी से 4 पतीले बिरयानी चिकार भरी है। ए, 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 ए भाईजान, ए भाईजान, ठीक है। अरे भूखे पे पानी पी रहे हो? जरा मेरी दादी का ख्याल करो, चलो बिरयानी खा लो, चलो। शुक्रिया, आपने मुझे दावत तो नहीं दी थी। अरे रोजा खुलाने का दावत कौन देता है? ये तो मेरे बेटे की मन्नत का खाना है। जब से हाजी अली बाबा की दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया है, उसी दिन से हर साल मैं इस दरगाह में रमजान शरीफ के महीने में 200 गरीबों को खाना खिलाता। अच्छा,
बड़े सवाब का काम है। आके देखो, बहुत मजे की है। नहीं बेटे, मैंने दिल में तय कर रखा है रोजा खोलूंगा सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई से। मेहनत करोगे? जी हाँ। चलो मेरे साथ चलो। आज की ताजा खबर अल्लाह ने लखनऊ में नहीं सुनी, बंबई में सुन ली। अपने नसीब को नौकरी मिल गई। आगे पढ़ो ना लालिका। पढ़ता हूँ। आज 4 रोज हुए गोदी ने काम शुरू कर दिया है। हाँ गोदी। हाँ, बंबई में गोदी जहाजों के स्टेशन को कहते हैं। अब पूरा खत तो पढ़ने दो, और क्या लिखा है? तबीयत कैसी रहती है? खाना पीना कैसा मिलता है? लिखा है, अम्मा से कहना मैं बिल्कुल अच्छा तंदुरुस्त हूँ, अल्लाह चाहे जल्दी वापस आऊंगा, फिक्र न करें। और दूसरा खत मेहरून ने सर। मायूस ना होना मेहरू, जल्द वापस आ रहा हूँ। इंशाल्लाह वो फूल फिर खिलेंगे। आमीन। तुम्हारा नसीब। उसने ये तो लिखा ही होगा कि काहे की नौकरी मिली है। ये तो नहीं लिखा है खाला जान, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी है, जरूर लिखने पढ़ने की नौकरी मिली होगी। जहाज में कप्तान है तो लेफ्टिनेंट तो जरूर हो गया। जान से भी ज्यादा हिफाजत करना। इंशाअल्लाह वापस आने के बाद हम दोनों इन खतों को कभी कभी पढ़ा करेंगे। नसीम भाई बैठो, लीजिए सेठ, ये भी जमा कर दीजिए। मुनीम जी, जी ये गिनकर तिजोरी में रख दीजिए। अच्छा नसीम भाई, अब तो काफी रुपए हो। नहीं सेठ, अभी कुछ कम है। 5,000 का कर्जा चुकाना है मुझे। नसीम भाई, अल्लाह वो भी पूरा कर देगा इंशाअल्लाह। कितनी बार समझाया, औरत नहीं बीवी कहते। अरे भाई, अब उनको तो याद ही नहीं रहता। बरखुरदार, इतना सा याद नहीं रहता तो स्कूल का सबक कैसे याद रहता हूँ? अरे यार, उसमें भी तो लपड़े ही है। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मेरे नसीब, अब तो माशाल्लाह आपकी कमाई में काफी बरकत हो गई है। दौलत के नशे में आते वक्त से ही मेरी फरमाइशें ना भूल जाइएगा। फिर सुन लीजिए, एक अंग्रेजी किस्म का टेलीफोन, एक छोटा सा ताजमहल सफेद पत्थर का, कानों के बुंदे, गले का हार और चूड़ियाँ। मगर चूड़ियाँ लाल होनी चाहिए, किसी को फिर से दुल्हन बनाना है, याद है? जाने नसीम मेहरू, मैंने तुम्हारी सारी फरमाइशें खरीद ली हैं। कानों के बुंदे, गले का हार
अंग्रेजी किस्म का टेलीफोन, छोटा सा ताजमहल और हाँ लाल चूड़ियाँ भी। इंशाल्लाह बहुत जल्द आ रहा हूँ मेरू तुम्हें दुल्हन बनाने के लिए। तुम्हारा नसीम। जानते हो मेरू किस लिए जिंदा है? तुम्हारे आने के दिन गिनने के लिए। कहा था ना बहुत याद आओगे। खुदा की कसम बहुत याद आ रहे हो। देखता नहीं आपका गोदी में बारूद भरा हुआ है? अगर आग लग गई तो आपका बम्बई उड़ जाएगा। माँ कसम उस्ताद बम्बई उड़ना ही चाहिए। एक से एक खून चूसने वाला पड़े रहे और अपने को चानस मिलेगा हाथ सफाई करने का। एकदम सही बोलता है। चार अप्रैल को बंबई बंदरगाह में खड़े जहाजों के यकायक फट पड़ने से शहर में लगी आग पर आज तीसरे दिन भी काबू ना पाया जा सका। ये खबरें आप बंबई से सुन रहे हैं। खबर मिली है कि 4 अप्रैल के धमाकों के बाद जहाजों के जलते हुए टुकड़ों ने जो दूर दूर तक फैल गए हैं शहर की कई इमारतों में आग लगा दी है। मरने वालों की सही तादाद मालूम न हो सकी लेकिन अंदाजा है कि 300 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और बहुत सी लाशें मलबा हटाने से निकाली जा रही हैं।
पोस्टमैन चिट्ठी ले जा। अरे देखो तो किसी की चिट्ठी आई है। हाँ तो बंबई से चिट्ठी आई है नसीम मियां की। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे नहीं साहब, ये तो कोई जाफर भाई गोदी वाला ने भेजी है। चिट्ठी ले जा। दी जाती है कि नसीम बेग बंबई के दाखिलात के होने वाले हादसे में चलकर इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। लाश से बरामद ना हो सकी। हाय नसीम, राजा ये क्या कर तो हो गया। बेचारी मासूम बच्ची खबर सुनकर जो बेहोश हुई तो पूरे 12 घंटे के बाद आप खुली है। अजी आपको मालूम नहीं वो बेचारी अपनी याददाश्त खो गई। जी हाँ, हकीम साहब तशरीफ ला रहे हैं। सुल्तान मियां, सदमे का असर शदीद है। बच्ची को रुलाइए किसी तरह और खूब रुलाइए। जब तक आंसू नहीं निकलेंगे उसकी याददाश्त करीब को तो ये भी याद नहीं कि उसकी कभी शादी हुई थी। छह महीने हो गए लेकिन तबीयत वैसी की वैसी है। सुल्तान मियां, मेहरू को इस घर के माहौल से कहीं दूर ले जाओ। यहाँ की हर शय उसके दिमाग पर बुरा असर डाल रही है। बाराबंकी में मेरे मामू रहते हैं, सोचता हूँ वही ले जाऊँ। ख्याल, अरे देवा शरीफ वहां से 2 कदम पर है, दवा से ज्यादा दुआ काम करता। हाँ साहब, बड़े पाए के बुजुर्ग है हाजी वाली सली शाह साहब। एक बात और जाता, जब भी नेहरू की सेहत की दुआ मांगना आखिर में सभी जबान से उसकी दूसरी शादी का जिक्र भी कर दिया कर। दूसरी शादी? एक सूरत ये दिया इलाज की और बहुत मुमकिन है शादी के बाद ठीक हो जाए।
ये नाम तो तुमने सुना है। हाँ, उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था दिल से इतना शादी के मांगा वो मिला, बस अब मेरे नसीम की शादी हो जाए। 3 साल से हाजिरी दे रही, इस साल में नसीम की दुल्हन हुजूर के दरबार से लेकर ही जाऊंगी। बेटी तुम कौन हो? हम लोग लखनऊ से आए हैं। लखनऊ के तो हम भी रहने वाले हैं। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? मेरू निशा। माशाल्लाह, क्या आप पेशावर के साथ आई हो? तुम यहाँ खड़ी हो और मैं बेगम को सारे में ढूंढ के देंगे। चलो चलो चलो। सुनिए, ये आपकी? जी मेरी नन है। क्या कहीं बात पक्की की है आपने? अल्लाह ने पक्की बात ही कैसी कर दी। यहाँ आप रहती कहाँ है? रसूलपुर में, इकबाल मियाँ ठेकेदार के यहाँ ठहरे हैं हम लोग। अच्छा, खुदा हाफिज़। माशाल्लाह, मैं हाँ कैसे कर दूँ? अंदर की बात अभी आपको मालूम नहीं है। मैं सब जानती हूँ। मेरा बेटा भी दुहाजू है, अल्लाह का दिया घर में सब कुछ है, बस मुझे तो ये लड़की चाहिए। लेकिन हुजूर, लड़की बीमार है। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, अल्लाह पर भरोसा रखो। बिस्मिल्लाह करके इमामजामिन लड़की के बांध दो और ये अंगूठी पहना दो, मंगनी की रस्म पूरी हो जाएगी। अच्छा, खुदा हाफिज़। भाभी, ये बड़ी बेगम कौन है? मुझसे बड़ी मोहब्बत करती है। बहुत रईस बेगम है मेहरू। उनकी कोई रिश्तेदार मालूम होती है? किसकी? नसीम की। हाँ, दरगाह पर उनका नाम ले लेकर बड़ी दुआएं मांगती हैं। हाँ हाँ, बहुत नजदीकी रिश्तेदार हैं। सच्ची? और नहीं तो क्या, मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं अभी पूछ कर आती हूँ, वो लखनऊ आ गया नहीं? हाँ हाँ, पूछ लेना। पहले ये जेवर तो देखो। देखो, अल्लाह कितने अच्छे हैं। किसके हैं? तुम्हारे लिए है, बड़ी बेगम लाई है। सच्ची? बस फिर तो लखनऊ जरूर आ गए होंगे, तभी तो उनके हाथ भेजे हैं। अच्छा, तो फिर बिस्मिल्लाह करके ये अंगूठी पहन लो। पहन लो ना, पहन लो, शर्मा रही है। बिस्मिल्लाह। मेहरू, 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 सब्र से काम। थैंक गॉड, आज तुम पहली बार अपनी जबान से बोले हो। तुम्हें बहुत बड़ा शॉक लगा था, तुम अपना नाम तक नहीं बता सकते थे, तुम्हें किसी बात का होश न था। मगर मेरू कहाँ है? मेरू कहाँ है? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें यहां कुछ दिन और आराम करना। यहाँ बंबई में तुम्हारा कोई रिश्तेदार? रिश्तेदार? एक मेहरबान है जाफर भाई, गोदी वाला। हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं? बॉम्बे हॉस्पिटल। कौन नसीम? क्या कहा? अपना नसीम भाई? अरे वो अपना नसीम भाई, वो लखनऊ वाला? क्या वो अस्पताल में है? अजी क्या कह रहे हैं, अपना नसीम भाई जिंदा है,
काजी साहब, मेहर का फैसला हो चुका है। बस तो लड़की के वकीलों को जनाने में भेज दीजिए। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النكاح سنة مني وكيل آ رہے ہیں آپ کا اب مسمی نواب مرزا نسیم الدولہ بن نواب مرزا کلیم الدولہ کے ساتھ بالعوض مبلغ 20,000 روپے مہر موجل سکہ رائج الوقت مقرر کیا جاتا ہے आपको कबूल है कबूल है कबूल है। अल्लाह की देन है मेहरू, हाँ कर दो, हाँ कर दो मेहरू। मुबारक मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। देर का मौका नहीं, अजारी चीजें लेकर आऊंगी। आमा तो क्या रुखसती के जुलूस यहाँ से नहीं निकले ना? जुलूस अब बाराबंकी से। अरे जुलूस निकलेगा लखनऊ के चार बाग स्टेशन से और देखेंगे तकदीर वाले। नसीम भाई टिकट ले आए, तैयार हो जाओ। अभी नहीं जा सकता, 5 बजे जो स्टैंड मिलेगा। नहीं सिस्टर, तुम्हारा बहुत मेहरबानी होगा, इसको 3 क्लाक पहले रख जाते तो गाड़ी 3:30 बज जाती है। मगर जल्दी किस बात की है, कल भेज देना। नहीं डॉक्टर, तुम नहीं समझता, तुम हमारा एक प्राइवेट बात सुनो। इधर इधर आओ आओ। डॉक्टर साहब बात ये है, मैंने इसके सगे वालों को चिट्ठी लिख दिया था कि ये इधर आग में जल के खलास हो गया, इसलिए इसको मुल्क जाना बहुत जरूरी है। ओ आई सी, ऑल राइट, अब तुम जा सकते हो। शुक्रिया डॉक्टर साहब। चल भाई चल, मगर डॉक्टर भाई मुझे तो बहुत सा सामान खरीदना है। अरे मारा बाप 3 क्लाक में अखा बंबई खरीद सकता है, मोटर नीचे खड़ा है। चल चल चल। आदाबर्जा हुजूर। नसीम मियां मुबारक हो। आ जाओ अंदर।
आओ आओ। शुक्रिया। कहो, सब खैरियत तो है? खुदा का लाख लाख शुक्र है। ये रुपया कबूल फरमाइए। कैसा रुपया? हुजूर को याद होगा वो मुशायरे की बदमजगी, उसके बाद मेरे महबूब ने मुझे कसम दी थी कि अगर मैं आपके एक पैसे का भी एहसान दूं तो खुदा न खास्ता उनका मुर्दा देखूं। नसीम मियां, गुस्से की कसमें बेमानी होती है। और फिर ये तो तुम्हारे इनाम का रुपया है, हम हरगिज वापस नहीं लेंगे। तो हुजूर, खुशी का मौका है, शादी का तोहफा समझ कर कबूल फरमाइए। ये हो सकता है। शुक्रिया। बन्ने मियां, जी हुजूर, दुल्हन पर से सदका करके गरीबों में बांट दो। बेहतर सरकार। अच्छा हुजूर, याद दीजिए, फिर मुलाकात। हरगिज नहीं। ए, चलो अभी तो मियां तुम्हें सेहरा पढ़ना है। सेहरा? हाँ हुजूर, सेहरा है तो सही, मगर गरीब का है। अपनी शादी के मौके पर लिखा था और सिर्फ उन्हीं को सुनाया था। सदका उतारिए के लगे ना कहीं नजर, सेहरे में आज भूल सा मुखड़ा है जलवा गर, चेहरे से अपने आज तो पर्दा उठाइए, चेहरे से अपने आज तो पर्दा उठाइए। अल्लाह मुझको चांद से सूरत दिखाइए, जन्नत है ये मकाम दरे याद है ये घर, जन्नत है ये मकाम दरे यार है ये घर, दिल कह रहा है आज यही सर झुकाइए, चेहरे से अपने आज तो पर्दा उठाइए, ये खुदा के वास्ते उठिए, खुदा के वास्ते लग जाइए गले, रस्म रिवाज शर्म हया सब हटाइए, दे से अपने आज तो पर्दा उठाइए, अल्लाह मुझको चांद सी सूरत दिखाइए, ये क्या के हम ही बढ़ते रहे आपकी तरफ, थोड़े से दूर आप भी तशरीफ लाइए, थोड़ी सी दूर आप भी तशरीफ लाइए, चेहरे से अपने आज तो पर्दा उठाइए। आहे दुल्हन कहाँ जा रही है? अगर तुम्हारा कादिर सामना हो जाता, शरीफ बहू बेटियों को ये बेबाकी जेब नहीं देती। सलीम मियां से वादा कर गया था। अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर। माशाल्लाह बनूमर है आप, देखिए आपके लिए क्या लाया, लीजिए। आदाब करके ले लीजिए। जी चलिए।
अब मुझे इजाजत दीजिए। तुम्हारा इंतजार हो रहा होगा। जी मेरा इंतजार, मैंने तो अपने आने की इत्तला भी नहीं। बहुत खूब, अचानक मुलाकात कयामत की होती है। आदाब। सरकार तशरीफ ला रही है। शेरवानी संभाल के रखिएगा, बड़ी खिदमत की है उसकी। याद है हर तीसरे चौथे दिन मौके से हाथ निकला हुआ और साथ ही सुरीली आवाज, तरह ये शेरवानी सी दीजिए। मगर जब आप हमें तड़पता छोड़ के चले गए तो हमारा दिल सीने वाला कोई नहीं था। हाँ अब तो आप नवाब हो गए हैं, अल्लाह आपको रोजे कयामत तक मेरे सर पर सलामत रखे। भाई अल्लाह आप बोलते क्यों नहीं, कहाँ तक नाज उठवाइएगा। हाँ और वो मेरी सच्ची भी कहाँ है, कंगे चूड़ियाँ कानों के बुंदे ताजमहल और जाने क्या क्या मंगाया था आपसे। मैं वो नहीं हूँ बेगम जो आप समझती हैं, मुझसे कहा गया था कि आप बेवा हैं। मालूम होता है आप लंदन से तशरीफ आए, मीर साहब का तो इंतकाल हो गया। मैं नया किराएदार हूँ, फरमाइए। वो ज़ईफ़ा नाबीना वो हज के लिए तशरीफ ले गई और उनके अजीज सुल्तान मियाँ तो देवे शरीफ गए। वो अभी तक अपने पहले शहर को नहीं भूलते। मेरी है मियाँ लेकिन खैर उम्र पड़ी है, अल्लाह सब ठीक करे।
मत समझो, नहीं तो अच्छी को क्या कर लेती। हटो भैया, आदाब भैया लाता हूँ। नसीम भाभी जान, वल्ला क्या इत्तेफाकात है जमाने के, इधर मैं आया उधर आप, शगुन तो सब मुबारक नजर आ रहे हैं, मगर वो कहाँ है भाई जान? नसीम मियां, तुम सलामत हो, अल्लाह ने बड़ा करम किया जो तुम्हारी सूरत दिखाई। लेकिन मेरू कहाँ है भाई जान? मैं पूछता हूँ, आप लोग चुप क्यों हैं? भाभी जान, तुमने आने में देर कर दी नसीम, बहुत देर कर दी। वो बेचारी आखिर वक्त तक कहती रही, वो आएंगे जरूर आएंगे। मर गई नसीम, मर गई, तुम्हारे लिए तड़प तड़प कर मर गई। कम्बख्त, होश भी कब आया जब दुनिया वालों ने पैरों में जंजीरें डाल दी। भाईजान, जिंदगी में तुम्हें मेहरू की सूरत देखना किस्मत में ही लिखा था। चलो चलिए उसकी कमरी दिखा दीजिए। देखो मजबूरी है, कोई ताजा कब्र दिखा दे जाकर। इसकी कब्र दिखाऊं तुम्हारी क्या अपनी? अब जाओगी ना? ख्वाब बन गया,
ختم داستان प्यार की पालती चली गई। बेगम, मुसीबत की घटाएं बरस जाए तो अच्छा है। आंसू पीने की कोशिश न करो, हर आंसू के साथ एक कम रुखसत होता है। लेकिन आपने शादी से इनकार क्यों नहीं किया? उनके मरने की खबर सुनकर मेरे दिमाग पर असर हो गया था, मैं सब कुछ भूली हुई थी। और आज आपको सब कुछ याद आ गया, शादी की रात? जी हाँ, सब कुछ ये भी याद आ गया। खुदा ना करे बेगम, क्या बेवा? आप सुहागन हमारे मुअज्जज खानदान की बहू। हम गरीब इस इज्जत के लायक नहीं, हम तुझे आजाद कर। बेगम, हमारे खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ। आइए। देखिए, ये इस खानदान की बहू थी। शादी का जोड़ा पहन कर आई और कफन पहन कर चली। आखिरी वक्त उनकी ख्वाहिश कि मैं जब दुल्हन ब्याह के लाऊं तो अपने हाथों से उनके कान में ये बुंदे पहनूं। वो दूसरे देवर की पहन लीजिए, वरना लोग अफसाने बनाएंगे। मुर्गे का चेहरा अच्छा लगेगा। बस बस बेगम, बस खुदा के लिए हमारा जब ना आजमाइए। हम वादा करते हैं कि जब तक आपके दिल से मरहूम शोहर की याद ना निकलेगी, आप इस घर में अमानत की तरह रहेंगे। गदम हो गया हुजूर, ये तो अपने नसीम यहाँ। नसीम यहाँ? वो क्या देखते, जल्दी करो। नवाब साहब, तकदीर हमेशा मुझे आप ही से टकरा देती है। बरखोदा, ये कुदरत के टकराव हैं। दुनिया कायम है टकराव पर। शुभ घड़ी टकराव हुआ, घर बस गए। मनहूस घड़ी टकराव हुआ, जिंदगी बर्बाद हो गई। यही तो रोना है, बर्बादी की आरजू भी अधूरी रह गई। मैं तो मरने निकला था, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? नसीम, इन दो दिनों में कोई खास सदमा? सदमा? कयामत गुजर गई नवाब साहब, हाथों की मेहंदी ना छूटी थी कि मौत आ गई। तो क्या आखिरी वक्त तुम वहां मौजूद नहीं थे? जोर हसद तो यही रह गई, नाखून दुल्हन बने हुए तो देखा था, मगर कफन पहने हुए ना देख सकते। बच्चे वलीमा है। गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ मामी, मेरे एक दोस्त के घर में गमी हो गई, उसकी बीवी मर गई। साहबजादे, गमी किसी के घर हो, सबसे मातम हमारे घर बिते, ये कोई करीना नहीं। ये कि दुल्हन बेचारी दिल में क्या सोचेगी? आप फिक्र न कीजिए, वो गम वो किसी में जानती है। मान जाओ, जानबूझकर जिंदगी को मुसीबत बनाना होशमंदी नहीं,
दूर। जिंदगी को मुझ बदनसीब से क्या वास्ता, रूह आजाद हो जाए तो मुर्दा जिस्म को जमीन में दफन कर देते हैं, मगर यहां के लोगों ने मेरी रूह को दफन कर दिया और मुर्दा जिस्म को आजाद छोड़ दिया। आखिर क्या काम है? अपने लिए दो गज जमीन ढूंढने जा रहा हूं। आप हमारी बात नहीं मानते तो हम आपकी चीज नहीं लेते, इसे साथ ले जाइए। मासूम का दिल रखने के लिए वो अल्लाह मियां भी अपने इरादे बदल देते हैं। ये गौर से देखिए और फिर आप भी ऐसे ही साफ साफ लिखिएगा। जी, द कैट किल द रैट। और ये देखिए, पढ़िए। दुनिया कहाँ गए वो? हजरत जनाब, देखिए जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए वरना आपके अब्बा हजूर खसा हूँ। अब्बा हजूर तो गए बात। ये देखिए, टेलीफोन आप उसके कान में लगाइए, लगाइए लगाइए, हम ऊपर जाके आपसे बात करते हैं। बेटे गजल कह रहे हो? ये नहीं सुन। ये क्या है? खिलौना है। दुल्हन, दुल्हन बेगम जी, इस खिलौनों को लेकर यहाँ क्यों खड़ी हो? ये वो सनी मियां दे दे। मैं क्या जानती थी इस उम्र में भी आप खिलौनों से खेलते हैं। खिलौनों से बनने की जरूरत नहीं साहबजादे, मैंने दुल्हन बेगम को इस तरफ देख लिया है। अगर ऐसे ही शौकत एक टेलीफोन लगवा लीजिए ना। ओह बेटा,
देखिए अब बहादुर ने हमारा फोन तोड़ दिया, अब हम उनसे कभी भी बात नहीं करेंगे। नहीं अब बहादुर के लिए ऐसा नहीं, चलो हम आपको नया फोन देंगे असली। इधर बैठ, ये लीजिए। आपके पास तो बहुत चीजें हैं। हाँ दुल्हन अम्मी, दुल्हन अम्मी क्या बात कर रही हैं? बताइए हम क्या लाए हैं? आप दुल्हन अम्मी के लिए कोई चीज लाए हैं? दिखाइए क्या है। दिखाइए। नहीं पहले आंखें बंद कीजिए। अच्छा लो आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद, खोलिए। है ना सचमुच का? ये आप कहाँ से लाए हैं? हमारे मास्टर साहब ने दिया है, वो ढेर से चीजें लाए हैं। अपने बच्चों के लिए लाए होंगे? नहीं नहीं वो तो अपने बीवी के लिए लाए हैं। तो? वो तो मर भी गई। मर गई? यहाँ आइए मैं चीज दिखाऊँ आपको, किसी को बताइएगा नहीं? बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अपने अब्बा हुजूर को भी नहीं, किसी को भी नहीं। देखिए ये है ना आपके मास्टर साहब। हम हाजिर हो सकते हैं? क्यों मियाँ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम अपनी दुल्हन अम्मी से खेल रहे हैं। खेल आप तो नहीं रहे बेटा, अलबत्ता आपकी दुल्हन अम्मी जरूर खेल रही है। ये वो चमनिया कहीं से लिया है। दिखाइए तो। नहीं नहीं आप फिर तोड़ डालेंगे। दिखाइए तो बेटा, सुनिए तो। तेरी सहमत दीजिए। क्या है? तस्वीर पुराने खत्तों के साथ रखी थी। बहुत खूबसूरत है। आप खुद देख लीजिए। या अल्लाह काश कि हम उन्हें देख सकते बेटे। हम उस नजर से नहीं देख सकते जिस नजर से आपने उन्हें देखा। आप अब भी उन्हें अपना समझती और हम उन्हें अपना दुश्मन समझते। मुर्दे से दुश्मन? नहीं बेगम, नहीं नहीं बाखुदा ऐसा नहीं बेगम, आप हमें गलत समझती। आई आपको जीतना चाहता लिल्लाह, मेरे जज्बात को समझने की कोशिश कीजिए। जला दीजिए इन्हें बेगम, ये मुर्दा यादों के कफन है। क्या कर दीजिए इन्हें, जला के राख कर दीजिए, वरना बेगम बाखुदा आप रुसवा हो जाइएगा। जला दीजिए इन्हें, दफन कर दीजिए इन्हें। मेरे सारे खत्म से अपनी जान से भी ज्यादा इजाजत करना, खोने ना पाए। मोहब्बत की यादें, मोहब्बत की जिंदगी में चार चांद लगा देती हैं। मैं पूछता हूं तेरे, क्या बिन खसूस और तस्वीर से आपका क्या वास्ता? मेरा वही वास्ता है जो वास्ता आपको इस तस्वीर से। दफन कर दीजिए इन्हें, दफन कर दीजिए।
मियां मेरी मानो, अब इन मुर्दा अरमानों को दफन कर दो तो अच्छा है। बने मियां, ये मुर्दा अरमान मेरे टूटे हुए दिल के टुकड़े, इन्हीं के सहारे तो जिंदा हूं। लेकिन हुजूर आप कहां चले? वहीं कब्रिस्तान। और जाऊंगा भी कहां बनने मियां, हो सकता है उस दिन को मुझसे रहम आ जाए और मुझे उसका दीदार नसीब हो जाए। लेकिन मियां रूहें सिर्फ सब बरात में आती हैं, रूह रूह थोड़ी आती है। अरे मियां सुनो तो, मैं तुम्हें इस तूफानी रात में अकेला नहीं जाने दूंगा। चलो मैं भी साथ चलता हूँ। वाह नसीम मियां वाह, मोहब्बत हो तो ऐसी है, ऐसी तूफानी रात में भी आप बीवी की कब्र पर क्षमा जलाने चले आए। बन्ने मियां मोहब्बत तो उसकी सच्ची थी जो मेरी मौत की झूठी खबर सुनकर मर गई, और मैं ऐसा सख्त जान हूं कि उसकी कब्र देखकर भी जिंदा हूं। बन्ने मियां एक एहसान करो मुझ पर, मुझे भी इसी कब्र में दफन कर दो। जी जी हुजूर, लेकिन आपको कैसे यकीन हुआ कि ये कब्र आपकी बीवी की है? मुझे उसके घर वालों ने बताया कि मेरी बहू यहीं सो रही है। महरूम महरूम तुम्हें अल्लाह की नजर से डर नहीं लगा भाभी? कलेजा नहीं कांपा तुम्हारा? मेरी कब्र दिखाने से तो बेहतर था कि उस मकबरे का पता बता देती जहां मुझे जिंदा गरगोर कर दिया है तुमने। काश मुझे अपने हाथों से जहर दे देते भाईजान, अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी। कहीं नसीब ने तुम्हें देख तो ले लिया मेरा। अब क्यों डरती हो भाभीजान? नहीं देखा है तो अब देखेंगे। मैं अभी जाके नवाब साहब से सब बता देती हूँ। खुदा के लिए ऐसा जतन न करना मेहरू, हम लोग कहीं के न रहेंगे। हम तो समझते थे कि नसीम मर चुका है। मरे उनके दुख में मेहरू, मिलना रुक जाओ मेहरू, खुदा के लिए रुक जाओ मेहरू। हम जानते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप नहीं जानते? हम जानते हैं बेगम, हम जानते हैं कि आपने मुर्दा मोहब्बत की मुर्दा निशानियां इतनी गहरी दफन कर दी हैं कि अब वो हमारे रास्ते में कभी नहीं आएंगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, आपने हमारी आहोश को आबाद करने का फैसला कर लिया। खुदा के लिए नहीं, आप गलत समझते हैं। हम आपको बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आपके दिल से पुरानी यादें हमेशा के लिए निकल गई। नहीं नहीं नहीं, मैं उनको कभी नहीं भूल सकती। मेरा चाची क्या तलाक? तलाक। हमारे खानदान में तलाक नहीं होता, न कभी हुआ है और न कभी हो। याद रखो बेटा, अगर तुम्हारा मुर्दा शोहर भी कब्र से उठकर आ जाए तो बखुदा हम उसे गोली मार देंगे। Thank you.
बुड्ढे का मुर्गा बना दिया। ये क्या किया तुमने नवाब? बुजुर्गों से मजाक नहीं करते बेटा। ये मजाक नहीं है, शबरात है, शबरात। शबरात? आप देखा पड़े? बने नहीं है। शब बरात हो कि कोई रात, हमें क्या मतलब? मगर नसीम मियां, शब बरात के दिन तो बिछड़ी हुई रूहों से मुलाकात होती है, आज तो आपकी भी रूह से मुलाकात होगी। मैं नहीं शेरवानी। अब ये फटी हुई शेरवानी, अरे भाई इसे देखकर तो रूहें भाग जाती हैं। बन्ने मियां, रूहें नियत देखती हैं, शेरवानी नहीं। नसीम मियां, रूह तो रूह, अल्लाह मियां भी मुफलिसों और भिखारियों से मुंह मोड़ लेते हैं, दिलवाइए इसे। मगर इसे सीने वाले तो अल्लाह को प्यारे हो गए। लाइए, हम अपनी दुल्हन अम्मी से सिलवा देते हैं। ऐसा भाई बेटे, दुल्हन बेगम, तुम्हारी तरफ से किस किस का फातिहा होगा? जी, खुदा बख्शे, तुम्हारे मरहूम शहर का नाम क्या था? आया बेगम, संभाल के काम किया करो ना। अच्छा, सबके नाम कागज पे लिख के भेजो, फातिहा हमें देर हो रही है। दुल्हन अम्मी, दुल्हन अम्मी, हमारे मास्टर साहब की शेरवानी सी दीजिए। आप उनकी चीजें लेकर मेरे पास आते क्यों? ले जाइए इसे खुदा के लिए ले जाइए। कोई भी नहीं सीता, क्या आप भी नहीं सीएंगे? आपको सीना पड़ेगा। सी दीजिए बेगम, उस गरीब का यहाँ कौन बैठा है? उस बेचारे के दामन पे दो टांके लग जाए तो सवाल होगा। लीजिए, आशा पे बरात। अब्बा हजूर, आप जानते हैं बल्ले मियाँ क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? वो कहते हैं आज मास्टर साहब की बीवी की रूह उनके पास आने वाली है। बन्ने मियाँ बकते हैं बेटा, वो गरीब पहले दीदी के गम में घुल रहा है और ये ऊपर से नमक छिड़क रहे हैं। साहबजादे, ये आपके दोस्त की जान पर क्या 12 महीने मुहर्रम ही छाया रहता है? कब तक लिए जाएंगे यहाँ से? फिलहाल तो उनका जाना मुश्किल है अम्मी जान। उस कमबख्त बन्ने मियां ने उन्हें यकीन दिला दिया है कि उनकी बीवी की रून के लिए तड़प रही है। हाय अल्लाह, कोई झूठो ही जाके कह दे कि मैं तुम्हारी बीवी की रून हूँ। और मेरी खुशी इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ, बेचारे की तसल्ली हो जाएगी और चला भी जाएगा। आप भी कैसी बातें करती हैं अम्मी जान। सलमा, तो मालिक आपका जोड़ा कहाँ है? दुनिया में सील गई। लेकिन वही रुक जाओ, मेरी दुनिया में कुर्बत की इजाजत नहीं। और मेरी दुनिया में दूरी गुनाह है। मेरी दुनिया में ऐसी मुलाकातें हराम। मेरी दुनिया में ऐसी मुलाकातें सवाब है मेरू। खुदा रा वादा करो कि हर रोज तुम मुझे यहाँ मिलने आया करोगी। मैं नहीं आ सकती मेरे दीवाना, मेरी दुनिया के रस्म रिवाज अलग है, तुम्हारी दुनिया के अलग। लेकिन मोहब्बत की दुनिया के रस्म रिवाज एक है मेरू। क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? मोहब्बत रूह के दिल नहीं होता नसीम, रूह को मोहब्बत की जरूरत नहीं होती। मोहब्बत की जरूरत तो खुदा को भी होती है मेरू। लेकिन अब मेरे मालिक का हुक्म, अब मैं मोहब्बत करूँ तो सिर्फ अपने मालिक से। तो अपने मालिक से कहो मेरू, मेरी जिंदगी की जंजीरें काट दे ताकि मैं तुम्हारे नजदीक हो सकूं। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मेरा मालिक मेरी बात नहीं मानता। काश मैं तुम्हारे मालिक का दामन थाम कर उससे तुम्हारी भीख मांग सकता। मैं क्या करूं मेरू, ये तुम्हारे मालिक का इंसाफ नहीं, जुल्म है जुल्म। नहीं, ना ही जुल्म है ना इंसाफ, कुदरत का तमाशा है, इसे देखो और सब्र करो। सब्र? अगर मेहरू दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक,
रुक जाओ नसीम, रुक जाओ, खुदा के लिए वहीं रुक जाओ। कौन से खुदा का वास्ता दे रही हो मेरू, जिसने तुम्हें मुझसे छीन लिया? मेरे करीब आने की कोशिश नहीं कर। बेरू, अपने दीवानों को इस तरह छोड़कर मत जाओ मेरू, मत जाओ। जिंदा वापस चली आओ मेरू, वादा करो मेरू, कल तुम फिर आओगी। हाँ मेरू, वादा करो। अच्छा मैं आऊंगी, मगर वादा करो कल हमारी आखिरी मुलाकात होगी और तुम मुझे भूल जाओगे। नहीं मेरू, चले जाने का वादा कर सकता हूँ, भूल जाने का नहीं। हाँ मैं आऊंगी कल आखिर। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खूब, कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, यानी रूह से मुलाकात को जिंदगी से मुलाकात समझते हैं। मेरा दावा है हुजूर, इस नज़्म का एक एक शेर दिल वालों की दुनिया बदल सकता है। मुलाहिज़ा हो। ठहरो नसीम, हम चाहते हैं कि बेगम भी सुने। अगर तुम्हारा दावा सही है नसीम, तो मुमकिन है। वो हमारे शायर दोस्त कल यहाँ। क्या बात है बेटी, आप परेशान नजर आती हैं। जी वो क्या? बुंदा। बुंदा? वो एक बुंदा कहीं खो गया। तो क्या हो गया, घबराइए नहीं, मिल जाएगा, आइए। वो हमारे शायर दोस्त है ना, कल यहाँ से जा रहे हैं। आज आप भी उनकी आखिरी नजर सुनिए। मुलाकात के बारे में कुछ कहा है उन्होंने? मुझे मत ले जाइए, मेरी तबीयत अच्छी नहीं, मुझे कुछ हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, घबराइए नहीं। वो गरीब खुशी का नगमा सुनाना चाहता है, दर्द का गीत नहीं। चलिए ना बेगम, हम चाहते हैं कि आप ये नज़्म सुने, ये हमारी ख्वाहिश है, आइए। नसीमिया, सुना है कि दिल के बीमारों का इलाज अच्छे शेर और अच्छी आवाज से भी होता है। ये सच है? तो बिस्मिल्लाह। बीमार भी हाजिर है और मैं भी हाजिर। मुलाहिज़ा। कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। लब थर करा रहे थे मगर बात हो गई, कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। एक हुस्न सामने था कयामत के रूप में, एक ख्वाब जल बदल था हकीकत के रूप में। चेहरा वही गुलाब की रंगत लिए हुए, नजरें वही प्याम मोहब्बत लिए हुए, जुल्फें वही के जैसे धुंधल का हो शाम का, आंखें वही जिनातों पे धोता हो जाम का।
कुछ देर को तसल्ली जज्बात हो गई, लब थरथरा रहे थे मगर बात हो गई। कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। ए मेरी रूह इश्क मेरी जान शायरी, दिल मानता नहीं के तू मुझसे बिछड़ गई। मायूसियां हैं फिर भी मेरे दिल को आस है, महसूस हो रहा है कि तू मेरे पास है। समझाऊं किस तरह से दिले बेकरार को वापस कहाँ चलाऊं मैं गुजरी बहार को। मजबूर दिल के साथ बड़ी घात हो गई, लब थरथरा रहे थे मगर बात हो गई। कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। ये बंदा ये मेरी मोहब्बत की आखिरी निशानी है नवाब साहब। घबराइए नहीं बेटी, बंदा मिल गया। मगर मिल जाएगा। वो वापस दे देगा। कौन? जिसको आपने दिया है। क्या? मैंने? मैंने किसको दिया है? वो शायर जिसकी नज़्म सुन के आप बेहोश हो गई थी। खुदा के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाइए, मुझ पर शक मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं मालूम। तो शायद उसने आपके कान से बुंदा निकाल लिया और आपको खबर नहीं हुई। आप झूठ बोलती हैं बेगम, आप उसे मिलती रही हैं, आप एक बेहया और। खुदा के लिए ऐसा नहीं, मैं पद की बंदी हूँ, वफादारी मेरा ईमान है। तो फिर कसम खाइए कि आप उसे कभी नहीं मिली। आप झूठी कसम नहीं खा सकती बेगम, और हम सच बात कहे बगैर नहीं रह सकते। आप हमारे खानदान की रुसवाई हैं, हमारे खानदान के माथे पे बदतुमादा, आपके नाजायज तल्लुकात हैं शहर के साथ। खुदा के लिए मुझ पर इल्जाम मत लगाइए, मत लगाइए। कहिए कि आपने सब कुछ नहीं कहा, कहिए कि आपने सब कुछ नहीं कहा। मैंने अपने आंसुओं का गला घोटकर अपने फर्ज को निभाया, खुदा के लिए अपने अल्फाज वापस ले लीजिए, खुदा के लिए अपने अल्फाज। आ जाइए। बने मियाँ, वो शायर कहाँ? वो आज कहाँ? आज तो उनकी रूह से आखिरी मुलाकात के कॉलो करा थे। Thank you.
हजरत हिजर में घबरा गई, क्या तुम ना आओगे? मेरी फरियाद लब तक आ गई, क्या तुम ना आओगे? मैंने अपना वादा पूरा किया नसीम, तुम्हें अपना वादा याद है? हाँ याद है। तो आज तुम चले जाओगे ना? मगर मेहरू, मेरे चले जाने से क्या होगा? तुम्हारी मेहरू की रूह को करार आ जाएगा और तुम्हारे नसीम की रूह जो तड़पती रहेगी। तुम्हारे लिए मैं हर शब्द तक दुआ करती रहूँ। मुझे दुआ नहीं, मुझे तो मेहरू चाहिए। मेहरू, तुमने आकर मेरी आंखों की प्यास बुझा दी। इस नाकाम दिल की तड़प बाकी है, ले जा, मुझे अपनी बाहों में समेट लो। दिल ठहर जाए, हमेशा के लिए खामोश हो जाए। लिल्लाह ऐसा न कहो, खुदा तुम्हें कयामत तक सलामत रखे। ऐसी बद्दुआ मत दो मेहरू, तुम्हारी कसम, तेरे बगैर जिंदगी दर्द है जिंदगी नहीं। मुझे मेरी यादें लौटा दो नसीम, तुम्हें करार आ जाएगा। तुम्हारी यादों के सिवा मेरे पास रखा ही क्या है? यादों के अलावा तुम्हारे पास कुछ और भी है? और? हाँ मेरू, तुम्हारी एक निशानी और है मेरे पास। ये तुम्हें कहाँ से मिला? जब मैं लौट कर आया तो लोगों ने कहा तुम्हारी मेहरू मर गई, लेकिन एक रात मैंने तुम्हें अपने करीब महसूस किया। मैं पुकारा मेरू, तुम गायब हो गए। उसके बाद मुझे ये वापस मिला। मुझे ये वापस दे दो मेरू, मेरे पास तुम्हारी बस ये आखिरी निशानी है। खुदा के लिए इसे वापस मत मांगो। ये मेरी इल्तिजा है नसीम। इल्तिजा? तो एक इल्तिजा मेरी भी है जान मेरी, बस मुझे अपने हाथों से इसे पहनाने की इजाजत दे दो। नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। लिल्लाह इसे वापस कर दो, वरना तुम्हारी मेहरू को ऐसी सजा मिलेगी कि पत्थरों के दिल भी हिल जाएंगे। नहीं मेहरू, नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह करे तुम्हारी तमाम बलाएं मुझ पे टूट पड़े। तो ये ले लो। नहीं, इसे वहां रख दो। अब हंसते हंसते अलविदा कहो। किस मुंह से अलविदा कहूं मेहरू? आंखें बंद करो नसीम। अलविदा। अलविदा जाने नसीम, अलविदा। अलविदा मेहरू। मुझे हाथ मत लगा। मेहरू, तुम जिंदा? मैं किसी और की अमानत हूँ। तुम जिंदा हो मेहरू? मेहरू, मेहरू, कसम कलाम अल्लाह की गोली मार दीजिए काबिल हो तुम लोग। गजब खुदा का, आज सरकार की सालगिरह इसी खुशी में कमाली होने वाली है और अभी तक फर्ज फुरूज का ठिकाना नहीं। मैं कहता हूँ मुंह काला करवाओगे तुम लोग मेरा, तो ही सब में मेहमान आया ही चाहते हैं। कसम खुदा की, इधर नजर चुकी उधर मामला चौपट। क्या हुआ नसीम में? डॉक्टर ने धोखा दिया। मेरी बीवी जिंदा है, वो आज तक रूह बनकर मुझे धोखा देती रही। मेरी मेहरू बेवफा निकली, बेवफा। नहीं नहीं, बेवफा नहीं, उसका दामन आज भी वैसे ही पाक है जैसा तुम छोड़ गए। आप इस कदर यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि हम भी इस दास्तान की उलझनों में फंसे हुए, हम सब कुछ जानते हैं। उस बेचारी ने तो रूह बनकर भी तुम्हारी जिंदगी खुशगवार बनाने की कोशिश की,
नौशाद, उसने तो मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। काश मैं जानता कि वो कहाँ है। कफन क्यों नहीं पहना? तुम्हारा रुआ रुआ मौत की खामोशी से नहीं, जिंदगी की लताफतों से चूर है। ये महल, ये जेवर, ये दुल्हन का जोड़ा, ये सब क्या है मेहू, ये सब क्या है? ये दुल्हन का जोड़ा नहीं, दुनिया वालों ने कफन पर बेल बूटे बना दिए हैं। तो क्या तुम्हारी मोहब्बत, वफा के वादे, वहद पैमान सब झूठे थे मेहू, सब झूठे थे? ऐसा नहीं है, बदनसीबी के अंधेरे में वफाएं दम तोड़ रही हैं। हाँ, और इसी गम में अब तक मुझे धोखा देती रही, मुझसे झूठ बोलती रही। हाँ, मैं चाहती थी कि मुझे बुढ़ा समझकर तुम्हें सब्र आ जाए, तुम इस शहर को छोड़कर मेरी यादों से दूर होकर अपनी जिंदगी को खुशगवार बना सको। मगर ये सब क्यों, ये सब क्यों? तुम्हारे मरने की खबर आई थी। फिर क्या हुआ? दिल तड़पा, आंखें रोई। फिर क्या हुआ? दिल अभी चेहरा भी न था, आंसू आए। फिर क्या हुआ मेहरू? वालों ने इनकी शादी कर दी। इसके साथ? हमारे साथ, अब भी हमारी बेगम है। काश आप मेरे दुश्मन हो, इल्जाम तो लगा सकता, अब कसूरवार कहूं तो किसको? किस्मत या खुदा? किस्मत या खुदा, मोहब्बत के काफिर किसी को नहीं मानते नवाब साहब। ये कुफर है नसीम मियां, सब्र का रास्ता अख्तियार करो। अब इस अफसाने को खत्म समझो। दिल के अफसाने इतनी आसानी से खत्म नहीं होते। वाह मास्टर साहब, आप यहाँ करें? अब्बा हजूर, चलिए मेहमान आपका रास्ता देख रहे हैं, कवाली शुरू होने वाली है। अरे आप रो क्यों रहे? हमारा कुछ खो गया है बेटे। क्या खो गया है आपका? हमारे पास बहुत खूबसूरत गुड़िया थी। गुड़िया? गुड़िया तो हम आपको दे देंगे। आप कहाँ से देंगे? अपनी दुल्हन अम्मी से बनवा लेंगे। दुल्हन अम्मी, दुल्हन अम्मी, आप गुड़िया बना देंगी ना? बोलिए, बोलिए ना। बस चलिए, गुड़िया आपको मिल जाएगी। शायद आपकी जबान से खुदा बोल रहा है। चलिए चलिए हमारे साथ। हजारों शम में जल
में घिर कर और उनके बीच में घिर कर यही कहता है परवाना मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं बड़ी मुश्किल में हूं अब किधर जाऊं बड़ी मुश्किल में हूं अब किधर जाऊं मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं आज आंखों में उतर आया है कोई तस्वीरे मोहब्बत बन कर आज आंखों में उतर आया है कोई तस्वीरे मोहब्बत बन कर आज चिल मन से नजर आया है एक अफसाना हकीकत बन कर आज चिल मन से नजर आया है हकीकत बनकर जिंदगी मिल गई मुझको लेकिन आज भी उससे बड़ी दूरी है ओ, ओ, ओ। आज भी उससे बड़ी दूरी है जोश कहता है पकड़ ले दामन होश कहता है कि मजबूरी है होश कहता है कि मजबूरी है उधर है सब्र की मंजिल इधर बेताबी दिल है जुनून शौक में ये फैसला करना भी मुश्किल है मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं खाक बनकर ही क्यों ना बिखर जाऊं खाक बनकर ही क्यों ना बिखर जाऊं मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं जिंदगी मुझको सहारा